एक कैमरा इज ए मस्ट फॉर कंटेंट क्रिएशन, बट अब तो फोन के कैमरास भी बहुत बेटर हो चुके हैं और ज्यादातर लोग अपनी ज्यादातर वीडियोस फोन से ही शूट करते हैं, आईफोन से। सो व्हाई अ कैमरा? तो इसके लिए आओ तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। 2013, सो दिस वॉज माई फर्स्ट कैमरा। पापा को पहले से ही कैमरा का बहुत शौक था, उन्होंने कभी ऐसे बैठकर बताया तो नहीं, बट मेरे बचपन के बहुत सारे फोटोज और वीडियोज हैं हरियर के हर बर्थडे के, एंड उस टाइम पे उनके पास कोई तो कोडेक का कैमरा था और वो एक फिल्म कैमरा था। उस टाइम पर उसको यूज करना एक सरदर्दी था, क्योंकि तुमने देखा ही होगा वो पुराने कैमराज में रील डलती थी, फिर उनको बाद में डेवलप करवाना पड़ता था और उसके बाद ही पता चलता था कि तुम्हारा फोटो कैसा आया है। बट फास्ट फॉरवर्ड टू दिस, ये कैमरा था वो जिसकी वजह से आई वॉज इंट्रोड्यूस टू फोटोज एंड वीडियोज। उस टाइम पर फोन तो सिर्फ नोकिया के ही होते थे, कॉलिंग करने के लिए या फिर सांप सीढ़ी वाला गेम खेलने के लिए, और कैमरा के लिए पॉइंट एंड शूट ही यूज होता था, क्योंकि उस टाइम पर फोन की कैमरा इतने अच्छे नहीं थे। और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि फोन से भी इतनी अच्छी क्वालिटी की फोटोज आजकल ले पाएंगे हम लोग, बट इसमें इजी था क्योंकि दिख जाता था कि फोटो कैसा आएगा स्क्रीन पर ही। बट वीडियोज इसमें तुम 640p तक ही शूट कर सकते हो। इससे मैंने पेड़ों की, पंछियों की, खाली सड़कों की बहुत ज्यादा फोटोज ली। उस टाइम पर इनमें फोटोज लेना एज कम्पेयर टू फिल्म कैमरास इजी था, इसीलिए बहुत लोगों ने पॉइंट एंड शूट कैमरास लिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई भी फोटो वीडियो को डेवलप नहीं करवाना था। पॉइंट एंड शूट का मतलब सिर्फ पॉइंट करा और शूट करो, जो कि आजकल फोन करने लगे हैं। और उसके बाद फिर फोन कैमरास भी बहुत ज्यादा बेटर हो गए थे। मेरे याद है नोकिया लूमिया, उसमें शायद 48 मेगापिक्सल का कैमरा आया था, विंडोज फोन था वो। उसके बाद फिर फोन में ही तुम्हें और बेटर कैमरा देखने को मिला हर साल, और नया कुछ, और धीरे धीरे लोग कैमरास को भूलने लगे। अब बात ठीक भी है, कैमरास में इतने सारे बटन, इतने सारे फंक्शंस आने लगे कि फोन का कैमरा यूज करना उससे ज्यादा इजी है, सिर्फ बस एक बटन प्रेस करो और रिकॉर्ड। सो व्हाई शुड यू बाय अ कैमरा? इसीलिए मैं एक दिन उठा और सोचा लेट्स बाय कैमरा, और रात भर रिसर्च करने के बाद पता लगा कि आजकल तो मूवीज भी सोनी के कैमरा से शूट हो रही हैं। हाँ, अभी एक मूवी आई है क्रिएटर, थिएटर में भी लगी होगी, और वो सोनी FX3 से शूट हुई है। तो क्या FX3 लें या सोनी A7S3 या सोनी A7C? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, इसलिए हम सीधा ऑफलाइन स्टोर चले गए सोनी के। सो हमें वहां जाकर पता लगा कि सोनी ने एकदम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कैमरा लॉन्च किया है, सोनी ZV-E1 विद AI फीचर्स। बस तो फिर क्या, मैंने AI सुनते ही कहा पैक कर दो। सिर्फ बैंक से बात कर रहा हूँ, अब आपके अकाउंट में 0 बैलेंस रह गया है। हाँ तो कुछ नहीं सर, मैंने सिर्फ ये फोन इसलिए किया है कि अब अपना अकाउंट किसी सरकारी बैंक में खुलवा लेना। तो ये सब होने के बाद दिस इज माई न्यू कैमरा, सोनी ZV-E1। और हाँ, क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन लिया है तो मुझे ये ग्रिप और ये चार्जर इसके साथ फ्री मिला, ऑनलाइन वाले ही प्राइस में, एकदम फ्री, तो ऑफलाइन ही ले। बट वो सब तो बात ठीक है, चलो, लेकिन वाई कैमरा? भाई मैं तो फोन से शूट करूंगा। हाँ, फोन एक्सेसिबल है, कॉम्पैक्ट है, फास्ट भी है, बट क्वालिटी? क्योंकि आईफोन हर साल कितना भी कह ले, And our most pro camera system. फोन कभी भी कैमरा की क्वालिटी को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार देखो तो यार, फोन का सेंसर देखो और इसका सेंसर देखो। अब देखो, अगर तुम कंटेंट बनाते हो और तुम्हें क्वालिटी चाहिए तो तुम्हें कैमरा की तरफ ही जाना चाहिए। भाई तू ये सब क्यों बता रहा है यार? क्योंकि मैंने भी कुछ महीने पहले यही गलती करी आईफोन 14 प्रो लेके, और जैसे कि अभी आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है तो सोचा थोड़ा बहुत मैं लोगों को बता दूं कि दीज कैमराज आर वेस्ट ऑफ मनी। अरे भाई ये क्या बोल रहा है तू? अब देखो, इससे पहले मेरे पास आईफोन XR था और उसके अंदर चला गया था पानी, तो मुझे अपग्रेड तो करना था ही, तो मैं सोचने लगा आईफोन 14 ले लेता हूँ। बट फिर मैंने सोचा क्यों ना 14 प्रो लें, इसमें बेटर कैमरा मिलेंगे, तीन कैमरा मिलेंगे भाई। बस तुम्हें यही नहीं करना है, सिर्फ कैमरा क्वालिटी के लिए फोन अपग्रेड मत करो। अगर मुझे कंटेंट भी बनाना है और मुझे फोन की भी जरूरत है तो मैं 14 ले लेता या 13 ले लेता, और मैं जाता एक कैमरा की तरफ, जो कि मैं अभी भी गया। रचित भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा यार, तुम बताना क्या चाह रहे हो? तो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हें कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो दिस माय फ्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। चलो वो भी समझ गए, बट इतने सारे ऑप्शंस इस कैमरा में, आईफोन यूज करना इजी नहीं है। हाँ, आईफोन से रिकॉर्ड करना इजी है, बट इतना ही इजी है
इस कैमरा से रिकॉर्ड करना। और हाँ, ये वीडियो सोनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है इस वीडियो तक तो। हाय सोनी, तो आओ तो मैं बताता हूँ इस कैमरा के बारे में और इसके AI फीचर्स के बारे में, जिससे तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन एक लेवल और ऊपर हो सकता है अगर तुम चाहो तो। ये सिंपल एक व्लॉग कैमरा की तरह है। आजकल बहुत सारे लोग व्लॉग शूट करने लगे हैं, तो इसीलिए सोनी ने इसको बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाया है। इसमें सेम सेंसर है जो कि है सोनी A7S III में, और तुम सोनी A7S III का साइज देखो और इसका साइज देखो। यहाँ पर सोनी A7S III के साथ है 16-35 सोनी का लेंस, और ZV-E1 के साथ मैं यूज कर रहा हूँ टैमरॉन का 20-40। और मुझे कैमरा को बहुत ज्यादा लाइट और छोटा रखना था, तो इसीलिए मैंने ये वाला लेंस इसके साथ लिया। और लेंस के बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना है, जितना कम नंबर होगा उतना वाइड हो जाएगा तुम्हारा लेंस। जैसे कि 16 या फिर 11mm पे तुम शूट करोगे तो वो बहुत ही वाइड रेंज देगा तुम्हें, बिल्कुल व्लॉग में जैसा दिखता है। और ये है अभी तक का स्मॉलेस्ट फुल फ्रेम कैमरा जो कि तुम अभी बाय कर सकते हो। फोन में रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें बस इस रेड बटन को क्लिक करना है और फिर तुम्हारा फोन सारी सेटिंग्स खुद एडजस्ट कर देगा। एंड इसी तरह से इसमें है इंटेलिजेंट ऑटो मोड, कुछ नहीं बस टच स्क्रीन से इंटेलिजेंट ऑटो पर कैमरा को डालो और फिर उसके बाद कैमरा खुद AI फीचर से डिटेक्ट कर लेगा वो किसको रिकॉर्ड कर रहा है, वो कोई पेड़ है, जानवर है, आदमी है, और उसी हिसाब से सारी सेटिंग्स को एडजस्ट कर देगा। एकदम सिंपल फोन की तरह बट ऑन स्टेरॉइड्स। अब देखो यहाँ पर फोटोज, वीडियोस एंड SNQ का ऑप्शन है, स्लो मोशन एंड क्विक। तो हाँ, यहाँ पर तुम स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 120 तक। ये लाल वाला बटन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए है, ये कैमरा शटर बटन है, और यहाँ पर तुम्हें पुराने कैमरा की तरह जूम इन जूम आउट वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। और ये बटन देख रहे हो जिसपे एक आदमी बन रहा है और पीछे पेड़, ये सोनी का नया डीफोकस मोड है। इसके एक क्लिक करते ही तुम्हारा बैकग्राउंड एकदम ब्लर हो जाएगा, जैसे कि आईफोन में सिनेमैटिक मोड। और क्योंकि तुम फोन नहीं एक एक्चुअल कैमरा यूज कर रहे हो, तो तुम्हें एज डिटेक्शन की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से ब्लर कर देगा ये। मेन्यू बटन और FN बटन में तुम बहुत सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पर, बस वो फीचर्स बताऊंगा जो मुझे अच्छे लगे और जो मैं डेली यूज करता हूँ। यहाँ से तुम गैलरी में जा सकते हो और यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ये तो शायद आइकन से पता ही लग रहा होगा। इस साइड तुम्हें एक SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, HDMI और हेडफोन का पोर्ट मिल जाता है, एक माइक का पोर्ट मिल जाता है और एक USB टाइप सी। तो यहाँ पर तुम एक केबल लगा के इसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो और फिर ये एक फेस कैम की तरह काम करेगा। इससे तुम चाहो तो लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो, व्लॉग, गेमिंग, क्या नहीं हो सकता इससे। तो अभी ये जो ऑडियो आ रही है ये इसी के माइक से है, मैंने सिर्फ यहाँ पर ये इसके साथ जो भी ये इसे मुझे पता है क्या कहते हैं, लेकिन नहीं कहूँगा क्योंकि YouTube कुछ और समझ के इसे डिमोनेटाइज कर देगा। अब तुम ये बताओ कि ऑडियो कैसी आ रही है इसकी, क्योंकि मैं कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर रहा और ऊपर से यहाँ पे इतनी चिड़िया की आवाज़ है, वो पता नहीं माइक कैप्चर कर रहा होगा या नहीं। और मैं आईफोन से भी शूट कर रहा हूँ तो इसका भी साथ साथ ऑडियो तुम्हें देखने को मिल जाएगा, फिर तुम कंपेयर कर लेना कि किसका सही है। इसमें मिल जाता है डुअल नेटिव ISO, यानी कि जब भी मैं रात में अगर कहीं बाहर होऊंगा तो मुझे बिना ग्रेन के एकदम मस्त फुटेज मिलेगी। यहाँ पर तुम अपनी LUT भी इंपोर्ट कर सकते हो जिससे तुम्हें कैमरा में ही दिख जाएगा कि तुम्हारी कलर ग्रेडिंग कैसी दिखने वाली है एडिट होने के बाद। इसमें तुम्हें फ्लिप स्क्रीन मिल जाती है और ये बेस्ट टच स्क्रीन है किसी कैमरा में मैंने जो आज तक देखी है। ऊपर से ही LED रिकॉर्डिंग तुम्हें देखने को मिल जाती है जब भी तुम रिकॉर्ड कर रहे होते हो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ सच में रिकॉर्ड हो रहा है। एक्टिव स्टेबिलाईजेशन तो है ही, थोड़ा बहुत फुटेज ये स्टेबलाइज कर देगा, बट उसके ऊपर से AI की मदद से इसमें डायनेमिक एक्टिव स्टेबलाइजेशन भी है, यानी कि अगर तुम्हारा फुटेज और भी ज्यादा हिल रहा है तो ये उसको भी स्टेबलाइज कर देगा, बस थोड़ा सा क्रॉप करेगा। यहाँ पर तुम्हें एक और ऑप्शन मिल जाता है सिने व्लॉग का, अगर तुम्हें ज्यादा सेटिंग्स के बारे में नहीं पता तो बस इसे एक बार क्लिक कर दो और उसके बाद ये तुम्हारी सेटिंग्स को खुद ही चेंज कर देगा और तुम्हारी फुटेज और भी ज्यादा सिनेमैटिक लगने लग जाएगी। और उसके बाद लास्ट फीचर है ऑटो फ्रेम, अगर तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए तो तुम्हें बस कैमरा को एक जगह पर लगा देना है और फिर ये तुम्हें फॉलो करेगा तुम जहाँ भी जा रहे हो। और इसके साथ साथ तुम फोकस देख रहे हो, सोनी हमेशा से ही फोकस में बहुत अच्छा रहा है बाकी कैमराज के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें आई फोकस देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही मैं बात करना चालू करूंगा ये मेरी आंख को डिटेक्ट करके फोकस कर लेगा और सब इजी हो जाएगा। सो ऑल आई वांट टू से इज हर साल आईफोन पे प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं। 2 लाख का फोन, कंपनीज कितना भी कह ले बेटर कैमरा, बट एक्चुअल कैमरा से बेटर कभी भी फोन का कैमरा नहीं हो सकता। तो जो गलती मैंने करी थी कैमरा ना लेके बहुत ज्यादा पैसा फोन
में इन्वेस्ट करने की वो तुम ना करो, और अगर अब भी चाहते हो तो भाई तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि ये चीज हर साल लॉन्च होती है और नेक्स्ट ईयर ही तुम्हें ये आउटडेटेड लगने लगेगा, और ऊपर से एप्पल इतने अपडेट दे के तुम्हारी कैमरा की क्वालिटी वैसे ही डाउन कर देगा। तो अगर इफ यू वॉन्ट टू बाय ए कैमरा, बाय ए कैमरा।